हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेनरा एडवांस एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं क्लास सेवन्थ की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत का लेसन टू, जिसका नाम है दादी माँ। और जो लेसन है ये शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा लिखा गया है। और इस लेसन की 3 वीडियो पहले आ चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले आप उन वीडियो को देखिएगा, बाद में फिर इस वीडियो को देखिएगा। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो लेखक हैं वो अपने भाई की शादी में नहीं जा पाते हैं क्योंकि वह बीमार हैं, और वह जो दादी हैं उन्होंने उनको, जो औरतें अभिनय कर रही हैं वहाँ पर, उनके पास लिटा दिया है, जबकि वहाँ पर जो जेंट्स हैं उनका होना अलाउड नहीं है। और वह अपनी हंसी के कारण पकड़े जाते हैं, जिससे जो औरत है वो उनके पीछे पड़ जाती हैं और जो लेखक हैं वो अपनी दादी के पीछे छिप जाते हैं। लेट्स बिगिन। इसने और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वाताचक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसे नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती, संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति वह की, वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की सीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उसकी स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। जो लेखक हैं वो इसमें बताते हैं कि जो दादी माँ हैं उन्होंने सुख दुख बहुत देखे हैं। जो हमारे दादाजी हैं उनकी डेथ हो गई है, जिसमें जो दादी हैं वो बहुत उदास रहती हैं, और हमारी जो शुभचिंतक हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सामने तो अच्छा दिखाने का नाटक करते हैं लेकिन पीछे फिर वो, मतलब एक तरीके से जो घर है उसका नाश करने पर तुले रहते हैं। यही हाल हमारे घर का हुआ है और हमारी जो स्थिति है वो और भी ज़्यादा बिगड़ गई है। दादी माँ उदास हैं, बहुत ज़्यादा उदास हैं। माँ के दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही है और गीले कपड़ों में दादी माँ एक कोने वाले कमरे में बैठी हैं, संदूक के ऊपर दिया जला करके। क्या रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आँखों की ओर देखा। क्या है, पूछ, तुम रोती थी? दादी माँ मुस्काई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। मुझे वो खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने से हो गए। जो पापा और भैया हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि पिताजी की मृत्यु के बाद उन पर काफ़ी सारा कर्जा हो गया है। क्यों रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रख
रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। जो दादी माँ है उनकी स्थिति देख करके कहती हैं कि आप परेशान क्यों होते हो, मैं अभी हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और आपके दादाजी ने मुझे ये कंगन दिया था, शायद इसी दिन के लिए दिया था। और वह निकाल कर चमकती सी चीज़ जो कंगन है वह उनको दे देती हैं। लग रहे सचमुच मुझे दादी माँ सा भ्रष्ट देवी सी लगी, धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ा आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखे फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों से कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। जो लेखक है वह बताते हैं कि एक कौवा उनकी खिड़की पर आ बैठा है, और किशन भैया का जो लेटर है, पत्र है, वो उनके हाथ में है, और वह उसको लेकर के बहुत परेशान है, क्योंकि जो वो उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो पा रही है कि दादी माँ अब नहीं रही हैं। ये आज हमने क्लास 7th का हिंदी का लेसन 2 कंप्लीट किया, और जल्द ही इसके क्वेश्चन आंसर भी हम करा देंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।